लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। उत्तराखंड से बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर चंपावत से है, जहां एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। एक स्कूली बस टनकपुर पूर्णागिरी मार्ग से गुजर रहे फिसलने वाले रास्ते से निकल रही थी। ठीक उसी समय तेज बारिश हुई। बस जैसे ही उस फिसलन भरे रास्ते से निकल रही थी वह पानी में फंस गई। बस चालक ने बस को निकालने की कोशिश, लेकिन वह विफल रहा और बस पानी के तेज बहाव में बहकर पलट गई। वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार पानी में बस जा गिरी। बस जिस रास्ते में फिसली ये किरोड़ी नाले का है और ये रास्ता हर बरसात में ऐसे खतरनाक तरीके से बहता है। स्थानीय लोगों के द्वारा यहाँ कई सालों से पुल बनाने की मांग की जा रही है, लेकिन अभी तक उनकी मांगे नहीं सुनी गई, जिसका नतीजा देखने को मिला। बस के पलटने पर ड्राइवर और कंडक्टर ने किसी तरह बस से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। मौके पर पहुंची जेसीबी द्वारा बस को सीधा किया गया और किसी तरह फिसलन भरी रोड से बाहर निकाला गया। अच्छी खबर यह रही कि स्कूली बस में कोई भी बच्चा नहीं था, बस पूरी तरह से खाली थी। हादसे में किसी भी प्रकार की कोई जनहानि होने की खबर नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, K24 न्यूज। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूँ कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए।